अभिरूप को स्कूल से मिला है हाई ऑनर रोल अवार्ड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद से व्लॉगिंग स्टार्ट करी है तो थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। आई गेस कि आप भी मुझे बहुत दिन बाद देख रहे होंगे। और समर वेकेशन स्टार्ट हो गया है बच्चों का, तो बच्चों ने थोड़ा देर पढ़ाई वढ़ाई किया, उसके बाद खेलने के लिए चले गए। और वीडियो का टाइटल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग जा रहे हैं समर वेकेशन में, इंडिया जा रहे हैं। और इंडिया का जो वेकेशन है बहुत लंबा होने वाला है, लाइक हम लोग 2 मंथ्स के लिए जा रहे हैं, क्योंकि यही टाइम रहता है जब आराम से हम लोग रह सकते हैं विदाउट कुछ टेंशन। क्योंकि जब भी हम लोग जाते हैं ना, स्कूल के मिड वीक में जाते हैं, तो थोड़ा सा तो टेंशन रहता ही है कि जल्दी जल्दी जो भी काम है, जो भी सबसे मिलना है मिल के आ जाए। बट इस बार हमने सोचा कि समर वेकेशन में चलते हैं और मैं ट्रैवल करूँगी दोनों बच्चों के साथ अकेले। लाइक मैं 1 मंथ के पहले ही जा रही हूँ, उसके बाद फिर उज्जवल हम लोगों को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ऑफिस भी है और मतलब इतना दिन तो छुट्टी नहीं मिलेगी क्योंकि लास्ट ईयर ही हम लोग गए थे। बट बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, बहुत मजा मस्ती करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पैकिंग वैकिंग करना है और मैंने कल रात को ही मेहंदी भिगाया था, क्योंकि इंडिया जा रहे थे, थोड़ा सा तो अपने को मतलब अपने को भी पैम्पर्ड करने का मन करता है, थोड़ा सा अच्छा बन के जाने का मन करता है। तो मैंने मेहंदी को भिंगा दिया। और ऐसे भी मेरा बहुत दिनों से बाल का जो केयर है नहीं हो पाया था, तो मैंने मेहंदी को भिंगो के रख दिया था। और अभी थोड़ा दही, अंडा और हनी ये सब ऐड करूंगी और बाल में लगा के मतलब 1 घंटे के लिए रख दूंगी। वैसे भी 11:30 बज रहे हैं, खाना बन चुका है और जिम गई थी, जिम करके आ गई। फिर थोड़ा थोड़ा घर को समेटना है और सबसे बड़ा जो काम है मुझे पैकिंग करना है, क्योंकि कुछ दिन में ही मतलब इस वीक के अंदर ही हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। तो अभी सब कुछ वाइंड अप करना है, उज्जवल के लिए भी थोड़ा थोड़ा जो खाना बोलो मतलब उसकी भी तैयारी करके जाना है, क्योंकि वो फिर ऑफिस करेंगे कि अपना पैकिंग करेंगे, उनका भी पैकिंग करके दे के जाना है। क्योंकि हर बार मैं ही पैकिंग करती हूँ, कुछ ना कुछ छूटेगा अगर वो करने जाएंगे तो मैं ही करके देके जाऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। होप करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। सो अगर अच्छा लगता है तो क्या करना आपको पता ही है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है कि आप लोग अगर यूएसए में रह रहे हो तो समर वेकेशन में क्या कर रहे हो। तो चलिए मेहंदी फटाक से मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं मेहंदी को भिंगो ले रही हूँ। यहाँ पे मैं मुझे कलर चाहिए बालों में, तो पानी को गर्म कर रही हूँ और यहाँ पे कॉफ़ी मैंने डाला है। तो यहाँ पे मैंने हेना को एक कंटेनर में डाल लिया है। और रात को अगर आप भिंगो के रखो ना मेहंदी को, तो बहुत अच्छा हेयर कलर आता है। तो ये मैं मेहंदी को अपने हेयर कलर के पर्पज़ से ही यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे कॉफ़ी बॉयल हो चुका है और अब मैं इसमें डालूंगी और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मिक्स करूंगी। तो यहाँ पे धीरे धीरे मतलब मिक्स करना है ताकि जो पल्प है वो नहीं बने। और पानी को ध्यान दे के देना है, क्योंकि ज़्यादा अगर गीला हो जाएगा ना तो फिर बालों से मतलब मेहंदी धीरे धीरे टपक के गिरने लगेगा। तो इस तरीके से मैं इसे मिक्स कर लूँगी और मिक्स करके पूरी रात के लिए भिंगो के रख देंगे। देखिए ये गर्म है, तो बस इसे इस तरीके से मिक्स करके ही रख देना है, ढक के रख देना है। और जब आप सुबह को लगाओगे ना तो बहुत अच्छा हेयर कलर आएगा। और ये वाला मैं इंडियन स्टोर से लेके आई हूँ, यही वाला मुझे मिल रहा था तो मैं यही वाला मेहंदी लेके आई हूँ। तो देखिए इसमें बहुत कुछ है, रीठा, आंवला, ये सब एड ऑन है। तो देखिए सुबह को मैं निकाली हूँ और ये कुछ इस तरीके का लग रहा है मेहंदी। ये थोड़ा सा अलग मेहंदी है ना से, इसीलिए कलर भी थोड़ा सा अलग अलग दिख रहा है। तो अब मैं इसमें एग डालूंगी, एक एग को मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये सब चीज़ अगर डालते हो ना तो बहुत अच्छा सिल्की होता है और जो ड्राई हेयर है वो भी हट जाता है।
तो इसमें एक डाल के उसके बाद मैं यहाँ पे अराउंड 1 से 2 स्पून दही ऐड कर रही हूँ। दही से भी बहुत अच्छा स्मूथनेस आता है, सिल्कीनेस आता है। और साथ में यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून हनी ऐड कर रही हूँ। तो इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद मैं इसे कुछ अराउंड 5 से 10 मिनट्स के लिए रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और उसके बाद मैं इसे अपने बालों में लगाऊँगी। तो देखिए बहुत अच्छा टेक्सचर आ गया है। और बहुत ज़्यादा गीला अगर करोगे ना तो हेयर से आपका ये टपकने लग जाएगा। तो देखिए अब मैं यहाँ पे एक कपड़ा ले हूँ, क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना, मेहंदी या जो भी आप हेयर कलर जो भी करते हो, इससे क्या होता है कि आपके क्लोथ ख़राब हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा 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 करके इसे अपने हेयर ब्रश, जो कलर ब्रश होता है ना, उसकी हेल्प से इसमें मेहंदी लगा रही हूँ। और थोड़ा थोड़ा जो ब्रश से लगता है, उसके बाद अपने हाथों से मैं मेहंदी लगाऊंगी, क्योंकि इसे क्या होता है ना कि अच्छा से अंदर तक जाना रहता है। तो यहाँ पे मैं देखिए इसमें जो मेहंदी में ना, इस बार बहुत अच्छा है, ये हेयर ब्रश भी दिया था और इस तरीके का ग्लव्स भी दिया था। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इस तरीके से पूरे बाल में मेहंदी लगा रही हूँ। और थोड़ा थोड़ा क्या होता है ना, फेस पे भी लग जाता है। तो देखिए पूरी अच्छी तरीके से मेहंदी लग चुका है। इसे अराउंड 1 से 2 घंटे के बाद मैं इसे वॉश करूँगी। सो मैं अभी जस्ट नहा के आई हूँ और आपको कलर देख के पता चल रहा होगा कि कलर आ रहा है, अब सूखने से ज़्यादा पता चलता है। तो मैं अराउंड 1.5 आवर रखी मेहंदी को और जस्ट अभी नहा के आई हूँ। तो अगर आप पूरा किस तरीके के प्रोसीजर से मैं मतलब मेहंदी भिगोती हूँ, कितने घंटे प्रॉपर वे में अगर देखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल में है। तो अभी दोपहर बज गए, बच्चे खेल के भी आ गए हैं, तो अभी दूंगी उन लोगों को खाना और हम लोग भी खाएंगे खाना, क्योंकि 1:30 बज गया है। तो उसके बाद घर को भी समेटें, क्योंकि घर अभी बिखरा पड़ा है, क्योंकि ये आप देख रहे हो ना, सब सामान इधर उधर हो रहा है, सब पैकिंग चल रहा है। तो ये लोगों को खाना दे देती हूँ, उसके बाद फिर ये सब पैक करूँगी ना, तब जाके मुझे लगेगा कि हाँ काम बढ़ रहा है, धीरे धीरे काम बढ़ रहा है। तो चलिए पहले जल्दी से ये लोगों को खाना दे दो। सो इंडिया जाने की पैकिंग शुरू हो गई है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो ऑलरेडी मैं इंडिया आ चुकी हूँ। तो अनिरुद्ध भी मुझे हेल्प कर रहा है और थोड़ा थोड़ा जो हम लोग पैकिंग कर रहे हैं, और इसके बाद हम लोग जाएंगे। तो बहुत एक्साइटमेंट लग रहा है, घर में बहुत दिनों तक रहूँगी और थोड़ा थोड़ा जहाँ पे भी विजिट करूँगी उसका भी वीडियो आपको मिलेगा। तो बच्चों का भी छुट्टी हो गया है, एग्जैक्टली समर वेकेशन लग रहा है, क्योंकि यूजुअली हम लोग भी समर वेकेशन में नानी घर जाते थे। तो यहाँ पे भी हम लोग जा रहे हैं और बच्चे बहुत एक्साइटेड है, गर्मी बहुत पड़ चुका है। और जो भी आपको बिखरा हुआ सामान दिख रहा है बेडरूम में, थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ट्रैवलिंग के टाइम में इस तरीके का जो मेसीनेस हो ही जाता है। तो बस पैकिंग कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो हे गाइस, ऑलमोस्ट जो है इधर दिख रहा है पैकिंग हो चुका है। और ये जो आज मैं बात कर रही हूँ, 2-3 दिन बाद बात कर रही हूँ, नेक्स्ट डे हम लोग निकलने वाले हैं इंडिया को। बट उससे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, वो है ये अवार्ड जो कि अभिरूप को स्कूल से मिला है, हाई ऑनर रोल अवार्ड, हिल्सबोरो मिडिल स्कूल जहाँ पे हम लोग रहते हैं, मिडिल स्कूल में। तो बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये, सब कोई को नहीं मिलता है, मतलब कुछ ही बच्चों को मिलता है। और उसने बहुत अच्छा किया, 7th ग्रेड में सारे सेमेस्टर में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, इसीलिए ये हाई ऑनर रोल मिला है। और एक स्टिकर मिला है जिसे आप गाड़ी पर लगा सकते हो, ऑनर रोल स्टिकर जिसे कहते हैं। तो बहुत बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, मैं एक मिनट आप लोगों को दिखाती हूँ। हाँ, तो
ये जो स्टिकर आपको दिख रहा है, ये स्टिकर भी अभी रुक को मिला है, जो कि गाड़ी में लगाने के लिए है, ऑनर रोल स्टूडेंट। और उसको ये वाला स्टिकर, ये वाला सर्टिफिकेट मिला है। ये है ये फ्रेंच में वो मतलब 99 के ऊपर स्कोर लाया है, इसीलिए ये वाला उसे सर्टिफिकेट दिया गया है। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब बच्चे इस तरीके का करते हैं, मतलब हमें लगता है कि हाँ अच्छा कर रहे हैं। तो अब तो स्कूल बंद हो गया है, ये कुछ दिन पहले ही मिला, मुझे लगा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और अभी तो इंडिया जा रहे हैं तो कुछ वर्कशीट मैं लेके जा रही हूँ, और यूजुअली यहाँ पे ये लोग कुमोन जाते हैं, तो कुमोन में भी 1 मंथ का मैं यहाँ पे मैथ्स का वर्कशीट लेके जा रही हूँ। खाली टाइम तो थोड़ा थोड़ा मिलेगा ही, तो उस टाइम में थोड़ा थोड़ा रिविजन हो जाएगा, क्योंकि सब समय तो हम लोग घूमेंगे फिरेंगे नहीं, घर पर तो रहेंगे, तो थोड़ा थोड़ा एक्टिविटी हो जाएगा। तो बस यही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा ऐसे वैसे वाला वीडियो होगा, बट नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा इंडिया जाने वाला, मतलब इंडिया हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो होगा, और काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को, होप करती हूँ। और सरप्राइज़ भी देने वाली हूँ घर में, बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में ही बताते हैं, मज़ा आएगा आप लोग को भी। तो चलिए वीडियो इन करते हैं। और ये जो कलर ना आपको खुले बाल में पता चलेगा, अच्छा कलर आया है। और मुझे लगा ना, बहुत दिनों के बाद मेहंदी लगाई हूँ तो हेयर बहुत सॉफ्ट हो गया है। आप लोग भी ट्राई करते रहिए, क्योंकि यूजुअली ये नहीं करते ना तो बाल एकदम ड्राई हो जाता है, अच्छा नहीं लगता, बट बहुत मतलब सॉफ्ट लग रहा है, फील हो रहा है कि हाँ कुछ तो हुआ है, अच्छा लग रहा है। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं, होप करती हूँ कि आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। तो स्टे ट्यून्ड विथ मी। उज्ज्वल नहीं जा रहे, हम लोग अकेले ट्रैवल करने वाले हैं, दोनों बच्चों को लेके मैं अकेले ट्रैवल करने वाली हूँ, तो वो वीडियो आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। मिलती हूँ और एक वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए, अपना खूब सारा ध्यान रखिए। बाय बाय।